हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन सबसों का। जैसे कि आप देख पा रहे, हम लोग का 0.15.5 का अपडेट आ चुका है। नियर अबाउट 200 MB का अपडेट है। जैसे कि आप देख पा रहे, डिफरेंट डिवाइस का डिफरेंट डिफरेंट अपडेट आ रहा है। तो अगर आपका अभी तक अपडेट नहीं आया तो कोई टेंशन का बात नहीं है, धीरे धीरे सबको मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा, पबजी मोबाइल रीजन बाय रीजन अपडेट देता है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। जैसे ही आपका अपडेट आ जाएगा तो आपको दिख जाएगा, इन गेम अपडेट है। आपको प्ले स्टोर में बार बार चेक करने का जरूरत नहीं है, प्ले स्टोर का अपडेट नहीं आएगा, आपका गेमिंग में अपडेट आएगा। 200 से लेके आप बोल सकते हैं 300 के अंदर कुछ भी MB का अपडेट आ सकता है। उसका तुरंत अपडेट करके आप TDM रूल्स खेल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था कि अपडेट होने के बाद आपको इंस्टेंट सब कुछ नहीं मिलने वाला, कल का पैच नोट में भी बताया था। तो गाइस, जो आपका जो न्यू कैरेक्टर और आपका जो कंपेनियन है वो इंस्टेंट अपडेट करने के बाद नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं कल का पैच नोट में भी आपको दिखाया था, उसमें कमिंग सून लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता था, पेलोड मोड कुछ दिन बाद आया था, तो पेलोड मोड जैसे टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही आ जाएगा, बट इंस्टेंट आपको नहीं मिलेगा। अपडेट जैसे करेंगे तो केवल आपको नया चीज़ जो देखने को मिलेगा वो है TDM रूइंस। तो आप TDM रूइंस को एंजॉय कर सकते हैं। तो फटाफट हम लोग इसको अपडेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या चीज़ आया है। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे, हम लोग का अपडेट हो चुका है 0.15.5 में। तो जैसे आप ईवो ग्राउंड में क्लिक करेंगे तो रूइंस आ चुका है। तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए कि गेम खेलने के बाद, अभी मेरा वीडियो देखते हुए मत कमेंट कीजिए, गेम खेल लीजिए द रूइंस, 2-3 मैच खेल लीजिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए कि आपको वेयर हाउस ज़्यादा पसंद आया कि द रूइंस ज़्यादा पसंद आया। मेरा अगर ओपिनियन लेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ बीटा वर्जन में, द रूइंस ज़्यादा बेटर एज़ कम्पेयर टू वेयर हाउस, बट सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा, देखते कौन मैप में ज़्यादा वोट आता है, इसमें भी इन्जॉयमेंट है। तो सबसे पहला चीज़ आप देख पा रहे हो द रूइंस, तो आप डेफिनेटली खेल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ नया चीज़ और भी आया होगा इवेंट में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इधर आप देख सकते हैं ये चीज़ चेंज हो गया। तो आपको पता होगा ये वाला जो आउटफिट हम लोग को लेवल 1 RP में मिलने वाला, फ्यूरी ऑफ द वेस्टलैंड, ये आपको थीम देखने को मिल रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं कुछ अचीवमेंट आया, रूइंस डेथ मैच विक्ट्री। तो आपको रूइंस में जो TDM है उसमें आपको एक विन लेना होगा तो आपको ये मिलेगा, और 3 विन लेंगे तो आपको ये वाला जो कूपन है या स्क्रैब है वो मिलने वाला है। उसके साथ साथ ये पंपकिन ड्रॉ तो पहले से था, टाइम लिमिटेड में कुछ नया चीज़ आया है, नहीं टाइम लिमिटेड में वही चीज़ है। तो अभी धीरे धीरे अपडेट जैसे जैसे आएगा तो बहुत सारे इवेंट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए कोई अपडेट आप बोल सकते कोई इवेंट तो नहीं आया, बट द रूइंस तो आ चुका है। उसके साथ साथ हम लोग देख लेंगे कुछ और चीज़ें जो कि मैं आपको बताया था, जो कि अचीवमेंट में देखते कुछ चीज़ आया है कि नहीं। तो थोड़ा नीचे ले जाते हैं तो इधर हम लोग को कुछ तो दिख नहीं रहा, बट हम लोग देखेंगे कि ये सब टाइटल में कुछ आया है कि नहीं, इसमें भी कुछ नहीं आया है। और देखते हैं अचीवमेंट सेक्शन में शायद अभी कुछ आया नहीं है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं अचीवमेंट सेक्शन में फिलहाल तो कुछ आया नहीं है, बट हाँ आ गया। जैसे कि आप देख पा रहे बेस्ट कंपेनियन, तो इधर आप देख पा रहे अगर आप कंपेनियन लेंगे तो आपको ये फूड मिलेगा, तो जिस जो कि आप यूज़ करके आपको पता ही होगा आप अपने कंपेनियन को लेवल अप कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कंपेनियन आपको फ्री में मिलने वाला है कि पैसा देना वाला है कि वाउचर लेना पड़ेगा कि कुछ मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, वो कम्प्लीटली जब इवेंट आएगा तब तो पता चलेगा। बट आप अचीवमेंट देख लीजिए, तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको ये 3 फूड मिलेगा। उसके साथ साथ आप जैसे कंपेनियन को लेवल 3 में पहुँचाएंगे तो आपको 6 और फूड मिलेगा, और अगर आप लेवल 5 में पहुँचाएंगे अपने कंपेनियन को तो लेवल मतलब सॉरी 10 फूड मिलेगा, तो 10 आपको फूड मिलेगा जिसको आप खिला के कंपेनियन का लेवल अप कर सकते हैं। तो लास्ट में जैसे आप लेवल 7 करेंगे जो कि मैक्स है कंपेनियन का, तो आपको एक टाइटल मिलेगा जिसका नाम है स्टार ट्रेनर। तो गाइज ये जो टाइटल है ये एपिक टाइटल, आप इसको अपने प्रोफाइल में लगा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो गाइज फिलहाल तो अचीवमेंट सेक्शन में और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, अगर कुछ दिखेगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो मैं आपको दिखा दे ये चीज़ नया आया है और कुछ आया है तो देख डेफिनेटली हम लोग चेक करने वाले। तो उसके बाद हम लोग देखने वाले इन्वेंट्री में, तो इन्वेंट्री में अगर मैं आपको गन सेक्शन में ले जाऊँ तो देखता हूँ कि गन आया है कि नहीं। SMG हाँ गन आ चुका है, MP5K जो कि मैं बताया था वीकेंडी एक्सक्लूसिव होने वाला वो गन आ चुका है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे केवल वीकेंडी में मिलेगा, जो कि वेक्टर को रिप्लेस किया है, आप जाके खेल सकते हैं ये गन से, केवल वीकेंडी में आपको ये वाला गन मिल जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग देख रहे थे कि अभी से फ्रेम आ चुका है कि कल आने वाला है, तो वो भी चीज़ हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो इधर
अवतार में देख लेते कि आ गया कि बाद में आएगा। अभी आप देख सकते हैं ये तीन चीज़ आ चुका है जो कि आपको रॉयल पास खरीदने के बाद मिलेगा सीजन 10 का। ये चीज़ आ गई, ये और ये तीनों चीज़ आप देख पा रहे हैं आ चुका है, तो उसका मतलब फ्रेम भी आ चुका होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेम भी आ चुका है, तीनों फ्रेम आ चुका है, ये और ये, तो तीनों फ्रेम आप देख पा रहे हैं। फिलहाल तो और कुछ देखने को नहीं मिल रहा, ये कल ही अपडेट आएगा, सबसे मेन चीज़ तो कल ही आने वाला। बट धीरे धीरे मेरे को लगता है कि इवेंट्स आने वाला, तो इवेंट से रिलेटेड जब जब इवेंट आएगा तो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। और अभी अगर आप जाएंगे तो जीमा भी मिल जाएगा, तो जीमा का जो कार है वो अभी हम लोग को वर्कशॉप में, सॉरी कैरेक्टर, जैसे कि आप देख पा रहे कैरेक्टर में अभी तक कुछ नहीं आया, जा सारा कल आने वाली है या आप बोल सकते हैं नेक्स्ट इवेंट में आने वाली, फिलहाल तो नहीं है। और उसके साथ साथ मैं आपको चीज़ दिखाने वाला था कि गाड़ी तो इधर दिख रहा कि नहीं, जो व्हीकल आया था हम लोग का जीमा, तो जीमा आपको शायद इसमें तो नहीं दिखने मिल रहा, आपको ट्रेनिंग मोड में देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार ट्रेनिंग मोड में ले जाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हम लोग का जीमा आ चुका है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, और जो कि आपको वीकेंड में देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी वो वाला हम लोग को लॉबी में तो देखने को नहीं मिल रहा, बट ठीक है आप देख लीजिए, जीमा तो आ चुका है। सो गाइस, जो नेक्स्ट चीज़ आया वो है, मैं आपको बताया था शॉर्टकट बटन आपको देखने को मिल रहा, तो ये शॉर्टकट बटन आ चुका है। सो गाइस, एक चीज़ मैं बताने बोल रहा हूँ कि क्लैन का भी यूज़र इंटरफेस चेंज किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे, तो कम्प्लीटली आपको न्यू यूज़र इंटरफेस देखने को मिल रहा, तो इसका रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, तो फिलहाल हम लोग इसको टच नहीं करने वाले। जैसे कि आप देख पा रहे नया लुक है और बाकी सब इन्फॉर्मेशन आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबका अवतार आपको देखने को मिलेगा, सॉरी अवतार नहीं, कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि आपको पहले नहीं देखने को मिलता था अभी करेंट वर्जन में 0.15.0 में, और शॉप में भी बाकी सब सेम है। उसके साथ साथ रैंक में भी क्लिक करेंगे तो जो लीडर रहेगा उसका आपको देखने को मिलेगा ये प्रोफाइल आई मोइन कैरेक्टर, और उसके बाद पर्क में भी तो सब कुछ सेम है। उसके साथ साथ अगर हम लोग शॉप में क्लिक करेंगे तो आपको देखना होगा कि जैसे कि आप देख पाए एक नया आउटफिट आया 540 का, जैसे कि आप देख पा रहे कैरेक्टर चेंज करेंगे तो अलग ड्रेस है, दोनों कैरेक्टर का अलग अलग ड्रेस आप देख पा रहे। तो ये चीज़ पहले कोरियन वर्जन बहुत पहले ही आ चुका था, क्योंकि लेडी कैरेक्टर का अलग है और मेल कैरेक्टर का अलग है। बट अगर मैं आपको सबसे मेन चीज़ जो कि सब अफोर्ड कर पाएंगे वो है रिडीम सेक्शन, तो रिडीम सेक्शन में देखते हैं कोई नया आउटफिट आया है, किंतु तो थोड़ा नीचे चलते हैं हम लोग नीचे, और मुझे याद नहीं रहता क्या क्या चीज़ आया है, बट ये चीज़ मुझे शायद लग रहा नया आया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा। तो ये आउटफिट आप ले सकते हैं जो कि एपिक आइटम है, और उसके साथ साथ आप देख सकते ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा। तो ये दो आउटफिट, शायद ये तीन आउटफिट, ये भी नया लग रहा शायद, टोटल चार आउटफिट आया जैसे कि आप देख पा रहे, ये चारों आउटफिट नया है। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हम लोग का टोटल चार आउटफिट आया है ये रिडीम सेक्शन में, और चारों मुझे एक से बढ़कर एक लग रहा है। ये ब्लू वाला डेफिनेटली मैं लेने ही वाला हूँ, कल तक मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है सीजन रिसेट होता था हम लोग को सिल्वर भी मिलता है, तो उतना सिल्वर मिलेगा तो ईजिली मैं इसका परमानेंट ले लूँगा, 1344 आराम से हो जाएगा। इसको हम लोग कल ही लेने वाले, कल का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास अभी से इतना सिल्वर है तो डेफिनेटली अभी ले लीजिए, बहुत अच्छा ड्रेस सबको देख पा रहे। व्हाइट लेना चाहते वीकेंडी खेलते तो ये भी अच्छा ड्रेस है, दोनों में से कोई भी एक लेने वाला, और अगर आपको ये से ड्रेस चाहिए तो मेरा ऐसे बहुत सारा ड्रेस है तो इसको छोड़ने वाला हूँ, तो ये फिलहाल ये दोनों में से कोई एक लेने वाला हूँ। तो आपको अगर दोनों में से कोई भी या चारों में से कोई भी आउटफिट अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली लीजिए, इसके लिए आपको अलग से कोई यूसी यूसी का जरूरत नहीं है, क्रेट का भी जरूरत नहीं है, सिल्वर तो मिलते ही रहता है सबको पता ही है, तो आप वही सिल्वर से आप टोटल चार ड्रेस ले सकते हैं। तो इतना ही था फिलहाल के लिए, बहुत सारा और भी इवेंट आने वाला है कुछ ही देर में, तो हम लोग बात करने वाले। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा डेफिनेटली थम्स अप दे सकते हैं, चैनल पर नए आएगा तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक करते, उससे ये होगा मेरा बीन को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नेक्स्ट डे, बाय बाय।